सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है खरगोश के लंबे कान। फिर बोलो क्या में जानेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद शब्द के भेद शब्द खेल में हम लोग समझेंगे शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने के बारे में। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे भाग के कुछ आसान सवालों को। उसके बाद खेलेंगे एक खेल जोड़ी मिलाओ। फिर सही चिन्ह लगाओ खेल में हम लोग सीखेंगे विभिन्न गणितीय संक्रियाओं को। उसके बाद करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी द अदर वे के साथ। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा ये शो रोज की तरह 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। पर घर पे मस्ती और पढ़ाई सबको मिलकर करते रहनी चाहिए, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो फिर रोज की तरह आज के प्रोग्राम में भी हम आपको सुनाएंगे सबसे पहले एक कहानी, फिर उस कहानी पर बहुत ही दिलचस्प तरीके से बातचीत होगी, उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। काका, आज एक अच्छी और बड़ी कहानी सुनाइए। हाँ हाँ जरूर, पर बड़ी कहानी? इसके कहने का मतलब समझिए, जिससे इसे बातचीत कम और सुनने को ज्यादा मिले। बिल्कुल ठीक है, तो सुनते हैं एक मजेदार कहानी। आप मीना से सुनिए कहानी कचरे का बादल। लेखन करणजीत कौर, चित्रांकन भवाना व्यास विपार्थी, अनुवाद पूनम एस कुडेशिया, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। अपनी सारी दोस्तों के बीच चीकू बहुत दुखी थी। वो अपनी क्लास की सबसे दुखी लड़की थी, शायद वो दुनिया की सबसे दुखी लड़की थी। दोस्त, चीकू का अब कोई दोस्त नहीं था। चीकू के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सिर पर हमेशा एक बादल मंडराता, कचरे का बादल। संतरे के छिलके
और बिस्कुट के खाली लिफाफे, टूटे खिलौने और पेंसिल की छीलन, प्लास्टिक की टेढ़ी मेढ़ी बोतलें और रंग बिरंगी थैलियाँ और इन सब पर भिनभिनाते मक्खियों के झुंड। कोई भी बच्चा ऐसी लड़की के साथ नहीं खेलना चाहता था जिसके सिर पर हमेशा कचरे का बादल मंडराता हो। कहीं कोई केले का छिलका उसके सर पर गिर पड़े तो छी, चीकू तो छुपन छुपाई तक भी नहीं खेल सकती थी क्योंकि बादल उसका पता देता था। एक दिन वो सोना से बोली, हम साथ साथ स्कूल चलते हैं। सोना तो फौरन दूर भाग गई। क्या मैं तुम्हारा पेंसिल शार्पनर इस्तेमाल कर लूं? उसने स्वीटी से पूछा। स्वीटी भूं चढ़ाते हुए अपनी जगह बदलकर आशा के पास चली गई। चीकू को खाना भी अकेले खाना पड़ा। चीकू जानती थी कि उसे अम्मा का कहना मानना चाहिए था। अम्मा हमेशा उसे कूड़ा फैलाने से मना करती थी। सड़क पर केले का छिलका मत फेंको, बिस्कुट के खाली लिफाफे कूड़ेदान में डालो। लेकिन चीकू ने उनकी बात नहीं मानी। वह हंसती रही और कूड़ा फैलाती रही। फिर एक दिन अम्मा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखना अब यह कूड़ा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। चीकू हंसती रही। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी। हर तरफ बदबू ही बदबू थी, साथ ही सिर पर कचरे का बादल मंडरा रहा था। अम्मा की बात सच साबित हुई और उसके बाद चीकू हंसना बस भूल ही गई। चीकू ने भागना चाहा, लेकिन कचरे का वो बादल हर जगह उसका पीछा करता रहा। चीकू ने एक झाड़ू लेकर बादल को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हटा नहीं सकी। चीकू ने भरपूर कोशिश की। उसने चीख चीख कर बादल से हटने को कहा। उसने तो बादल को कूड़ेदान में फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन कचरे का बादल हटा ही नहीं। तब चीकू हो गई बहुत दुखी। इसके बाद चीकू ने बाला को देखा सड़क पर केले का छिलका फेंकते हुए। चीकू को गुस्सा आ गया। क्या बाला को मेरे सिर पर कचरे का बादल नहीं दिख रहा? वो चिल्लाई, अरे बुद्धू, छिलके को सड़क पर मत फेंको, कोई फिसल जाएगा। कचरे के बादल से डरकर बाला ने छिलके को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन कचरे का वह बादल थोड़ा सा छोटा हो गया। चीकू ने सोचा, अरे ऐसा कैसे हुआ? फिर चीकू ने देखा कि रीमा आंटी प्लास्टिक की थैलियों को फेंक रही थी। चीकू ने कहा, आंटी थैलियों को उठाकर दोबारा इस्तेमाल कीजिए। रीमा आंटी थैलियां उठाकर वहां से चली गई। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो बादल और भी छोटा हो गया था। चीकू मुस्कुराई। वह समझ गई थी कि उसे क्या करना है। फिर जब भी कोई बिस्कुट का पैकेट, लिफाफा या पेंसिल की छीलन फेंकता, चीकू उसे रोक देती। प्लास्टिक की हर बेकार बोतल उठाकर कूड़ेदान में डाल देती। गांव और ज्यादा साफ रहने लगा और चीकू का बादल और छोटा होने लगा। फिर एक दिन वो गायब हो गया, एकदम चला गया और चीकू शायद दुनिया की सबसे खुश लड़की हो गई। उसके बाद चीकू ने कूड़ा नहीं फैलाया। सच तो ये है कि उसे भी साफ गांव में रहना अच्छा लगता था, लेकिन वह डरती है कि कहीं कचरे का बादल फिर ना आ जाए। क्यों बिट्टू, कहानी तो सच में मजेदार थी और उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बिटिया, तुम्हें तो सीखने को मिला, पर तुमने दोस्तों के लिए कुछ नहीं सोचा है? काका कुछ प्रश्न बता देंगे और कुछ मेरे दोस्त खुद से बनाएंगे। बहुत खूब, आज लगता है हमारी बिट्टू को कम बोलने का मन है।
तो बच्चों इन प्रश्नों के साथ साथ कुछ प्रश्न खुद भी बनाइए और घर के सदस्यों से पूछिए। पहला प्रश्न है, चीकू हमेशा दुखी क्यों रहती थी? दूसरा प्रश्न है, चीकू को क्यों लगा कि अम्मा का कहना मानना चाहिए था? तीसरा प्रश्न है, चीकू के सिर से कचरे का बादल कैसे गायब हुआ था? तो बिट्टू के काका अभी खेल हो जाए। हाँ 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 क्यों नहीं बिटिया, खेल कौन सा खेलना है? खेल का नाम है आगे पीछे। तो खेलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं खेल आगे पीछे। इस खेल में अक्षरों को आगे पीछे करके सही शब्द बनाना है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शब्द को। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, राखत। तो क्या बनेगा, आप भी बनाते रहिए अपनी कॉपी पे, आप बनाते रहिए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसको यहाँ अगर मैंने ख को पहले ले लिया, ख और त को बीच में ले लिया, ख त रा खतरा, अब मुझे लग रहा है ये सही है। देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए अब क्या है यहाँ पे, ढमाना। अगर इसको हम म को पहले ले रहे और माढ़ना, देखते हैं सही है या नहीं है। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब ये है यादारा, तो अगर हम द को पहले ले लें तो दायरा, मुझे लग रहा है कि ये सही शब्द है, इसका कोई मतलब है। चलिए देख लेते हैं सही है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, ककार, तो अगर हम इसको काकर काकर, ये देखते हैं कि सही है क्या। ओ गधा बोल रहा है, इसका मतलब ये शब्द सही नहीं है। तो चलिए इसको वापस सही करते हैं। क को अगर हम पहले लाएं और नहीं, का को पहले लाते हैं और र को बीच में करते हैं, अब देखते हैं का र क, मुझे लग रहा है कि ये सही है। चलिए देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अब है सरकें। ये तो नहीं है, अगर हम क को पहले लाएं अगर, तब अब देखते हैं कैंसर कैंसर। अब मुझे लग रहा है कि ये सही शब्द है। देखते हैं, बिल्कुल सही है, कैंसर। और यहाँ क्या है, कजाम, तो अगर हम म को पहले लाएं, म को सबसे पहले लाते हैं, म को और जा को बीच में लाते हैं और क है, मजाक मजाक। ये तो आपको भी पता होगा, है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब है वादम। चलिए आप भी सोचते रहिए और बनाते रहिए शब्द को। ये देखिए यहाँ पे मवाद, मवाद, मुझे लग रहा है कि ये सही शब्द है, लेकिन देखना पड़ेगा सही है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अरे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे है नसीमा। अगर सी सी को पहले ले ले और माँ को बीच में, सीमान सीमान, देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। नहीं सही है, ये सही नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ क्या बनेगा। अगर माँ को माँ सीन, नहीं नहीं मुझे नहीं लग रहा। अच्छा अब ये देखते हैं मानसी, मानसी, मुझे लग रहा है कि अब सही है ये। देखते हैं, वाह किसी का नाम भी हो सकता है मानसी।
अब है यहाँ पे वी ना क। अगर हम ना को पहले ले लें और वी क नाविक, नाविक, तो देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या है, र ग ड, नहीं, अगर ग को र की जगह ले ले, नहीं, र को पहले लाते हैं, र को सबसे पहले लेते हैं, र ग ड, अब देखते हैं सही है क्या। नहीं, तो क्या करें, क्या करें, इसको कैसे सही करें। अच्छा, ड को पहले लाके देखते हैं, ड, और ग को उसके बाद लाते हैं, और अंत में र, डगर। इसका तो कोई मतलब होता है, तो इसका मतलब ये सही होना चाहिए। देखते हैं, चेक करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। क्यों बिटिया, मनपसंद खेल खेल कर कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। बिट्टू की काकी, एक मनपसंद खेल तुम्हारी तरफ से बिट्टू के लिए हो जाए? ऐसा है क्या बिट्टू? बिल्कुल काकी, आपको एक काका से कम है क्या? बिटिया, तुम तो खेल का नाम बताओ। काकी, खेल का नाम है कल, आज और कल। चलो फिर खेलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं खेल कल, आज और कल। इस खेल में वाक्य को पढ़कर यह पता करना है कि वाक्य वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो आइए शुरू करते हैं इस खेल को। वाक्य को सही काल बताइए। तो यहाँ है शर्मिला गाएगी। अच्छा, गाएगी, गा नहीं रही है, गाएगी। तो मुझे लग रहा है ये इसमें आने वाले दिनों की बात हो रही है, तो रखते हैं भविष्यकाल में, भविष्यकाल। अब इसको देखते हैं कि सही है या नहीं। राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। मयंक दूध पिएगा, पिएगा, अभी पी नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यह वाक्य भी आने वाले दिनों की बात हो रही है इसमें, तो भविष्यकाल होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इस स्माइली को लाते हैं यहाँ भविष्यकाल में, भविष्यकाल। और वापस चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर, अरे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप भी सोचते रहिए और देखते रहिए कि वाक्य किस काल का है, भूतकाल का है, वर्तमान काल का है, भविष्यकाल का है। चलिए आगे चलते हैं। संजना ने पढ़ाई छोड़ दी है। संजना ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो छोड़ दी है यानी कि पहले छोड़ चुकी है ये, तो ये बीते दिनों की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है भूतकाल की बात है ये। तो चलिए स्माइली को लाते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये सही है या नहीं। भूतकाल, भूतकाल, अब देखते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब आगे चलते हैं, मजा आ रहा है ना इस खेल में। कल गणपति विसर्जन होगा, आज नहीं कल होगा। यहाँ भी मुझे लग रहा है कि बीते दिनों की बात हो रही है या आने वाले दिनों की बात हो रही है, बताइए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आने वाले दिनों की बात हो रही है। तो चलिए इस स्माइली को लाते हैं भविष्यकाल में, भविष्यकाल, और फिर इसको चेक करते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है दिनेश बहुत घबराया हुआ था। अच्छा, क्या लग रहा है कि वर्तमान काल है, चलिए देख लेते हैं। वर्तमान काल में इसे स्माइली को रखते हैं और देखते हैं सही है या नहीं। नॉट दिस वन, नहीं, ये सही नहीं है।
तो हम वापस वाक्य को पढ़ते हैं। दिनेश बहुत घबराया हुआ था। अच्छा, अभी नहीं है, हुआ था, कभी हुआ था। यहाँ भी बीते दिनों की बात हो रही है, तो इसका मतलब भूतकाल होना चाहिए। चलिए देखते हैं, भूतकाल भूतकाल, और यहाँ से देखते हैं सही है या नहीं, चेक कर लें। चलिए, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है अभिजीत खेल रहा है। अच्छा, खेल रहा है, इसका मतलब अभी खेल रहा है। तो अभी खेल रहा है का मतलब क्या हुआ? वर्तमान काल। तो चलिए इस स्माइली को यहाँ लाते हैं वर्तमान काल में और देखते हैं कि वर्तमान काल सही है या नहीं। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ये। आगे चलते हैं। क्यों बिट्टू के काका, अब तो आप भी खुश होंगे। बिल्कुल, मैं भी खुश और बिटिया भी खुश। क्यों बिट्टू, काका की बात से सहमत हो? बिल्कुल काकी, वास्तव में बहुत मजा आया। बच्चों, आज जो खेल आपने देखा है उसे अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए, खिलवाइए और ढेर सारी मस्ती कीजिए। मजा आया, कहानी सुनी, उस पर बातचीत करी, अक्षर के खेल भी खेले, मुझे तो बहुत मजा आया। तो आगे और मस्ती करते हैं, पता है कैसे? बिल्कुल सही सोचा आपने, आगे हम गणित सीखकर और मस्ती करेंगे। तो चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ा जोड़ थोड़ा घटाव करके, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, बच्चों आओ, आज फिर से खेल खेलते हैं। खेल क्या है? गुणा के आसान सवाल। तो हमें गुणा के सरल सरल से सवाल हल करने हैं। जैसा कि अभी आपने गुणा करना तो सीख ही लिया है, तो चलो खेल शुरू करते हैं। देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। खाली स्थानों पर गुना करके सही उत्तर भरें। तो सही उत्तर भरना है। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। यहाँ देखिए, 6000 गुना 200 है, कितने शून्य है? 1, 2, 3, 4, 5, है ना 5 शून्य। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। और 6 गुना 2 कितना होता है? 6 दूनी होता है 12। इकाई पर हम ये शून्य लगा देंगे। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। तो 1, 2 यानी 12 हो गया, और अब 3 और 2, 5 शून्य, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह हमें क्या उत्तर मिला? हमें उत्तर मिला है 12। Please answer the question। लाख, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखो हमें एक अंक मिल गया है, कुल 10 अंक के लिए हमें खेलना है। ध्यान से खेलेंगे। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। अभी सवाल है 2000 गुना 300, जिसमें 3 और 2, 5 शून्य तो है। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। अब करना क्या है? 2 का गुना करना है 3 में, तो 2 तिया होता है 6, और इस तरह 5 शून्य लगाओ, 1, 2, 3, 4 और 5। तो भाई 2 अंक तो मिल गए, यानी 2 सवाल के जवाब तो बिल्कुल सही दिए। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। अब देखो, 6 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18 हो गए ना 3 अंक, एकदम सही। अब 7 8 होते हैं कुल 56।
अब 700 × 50 जिसमें 3 शून्य है और 5 × 7 = 35 तो 3 × 5 ये हो गया 35। अब 3 शून्य लगाओ 1, 2, 3 एकदम सही, यानी 700 × 50 3500। अब 400 × 20 देखो 3 शून्य। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। 4 × 2 = 8 तो ये 8। अब 2 और 1 = 3 शून्य लगा दो तो 1, 2। हाँ भाई 6 अंक तो मिल चुके हैं। 200 × 8 यानी 2 × 8 = 16। Please answer the question। ये लो भाई ये 16 और 2 शून्य एकदम सही। अब 200 × 7 में 2 शून्य है और 2 × 7 = 14 तो 1, 4 और अब लगा दो ये 1 और 1, 2। बच्चों बहुत अच्छा खेल रहे हैं हम, हमें 8 अंक तो मिल चुके हैं। देखते हैं हम पूरे 10 कर पाते हैं या नहीं। तो 30 × 4 4 × 12 और 1 शून्य इस तरह 120। अब 80 × 2 तो 8 × 2 = 16 और इकाई पर जो शून्य है इस तरह 160। हमें पूरे अंक मिले हैं यानी 5 स्टार्स। फिर मिलते हैं, गुड बाय। हेलो बच्चों, गुना के शाब्दिक सवाल। रामनाथ एक दिन में लगभग 17 लोगों के बाल काटता है। वह बाल काटने के लिए 45 रुपए लेता है, तो एक दिन में रामनाथ कितने रुपए कमाता है? चलो देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। तो दिया है कि रामनाथ एक दिन में 17 लोगों के बाल काटता है। वह बाल काटने के लिए 45 रुपए लेता है और पूछा क्या है, एक दिन में रामनाथ कितने रुपए कमाता है? करना क्या है, भाग या गुना? ठीक है, हम इसमें गुना करने वाले हैं। एकदम सही। तो 45 में 5 इकाई 4 दहाई और 17 में 7 इकाई 1 दहाई। तो सबसे पहले हम यहां से गुना शुरू करते हैं। 7 × 5 = 35। अब हम करेंगे इकाई का दहाई से, यानी 7 × 40 280 और फिर दहाई का इकाई से यानी 10 × 5 यह मिलेगा 50 और आखिरी में दहाई का दहाई से यानी 10 × 40 तो 400। चलो अब इन्हें जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 765 यानी एक दिन में रामनाथ 765 रुपए कमाता है। एक हाथी का बच्चा एक दिन में 22 लीटर पानी पीता है, तो वह 36 दिन में कितने लीटर पानी पी लेगा? आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है, हाथी का बच्चा एक दिन में 22 लीटर पानी पीता है। बताओ कि हाथी का बच्चा 36 दिन में कितने लीटर पानी पी लेगा? करना क्या है, भाग या गुना? ठीक है, हम गुना करेंगे। तो 22 में 2 इकाई 2 दहाई और 36 में 6 इकाई और 3 दहाई। अब सबसे पहले तो हम इकाई से शुरुआत करेंगे, यानी 6 × 2 तो 12, फिर इकाई दहाई तो 6 × 20 यानी 120, फिर दहाई का इकाई से तो 30 × 2 बराबर 60 और दहाई का दहाई से करने पर 30 × 20 बराबर 600 और इन सबको अगर जोड़ा जाएगा तो मिलेगा 792 यानी हाथी का बच्चा 36 दिन में 792 लीटर पानी पी लेगा। अगला सवाल देखिए, माँ एक दिन में 66 पापड़ बेलती है, तो 15 दिन में कितने पापड़ बेलेगी? क्या जानकारी दी गई है, माँ एक दिन में 66 पापड़ बेलती है, पूछा है तो 15 दिन में कितने पापड़ बेलेगी और करना क्या है, भाग या गुना? एकदम सही, हम गुना करेंगे।
तो 66 में 6 इकाई 6 दहाई और 15 में 5 इकाई 1 दहाई। अब सबसे पहले इकाई का इकाई से गुना करेंगे तो 5 गुना 6 हुआ 30। अब करते हैं इकाई का दहाई से तो 5 गुना 60 बराबर 300। और अब दहाई का इकाई से यानी 10 गुना 6 10 छक्के भी 60। और अब अंत में दहाई का दहाई से इस तरह 10 गुना 60 बराबर 600। 600 कैसे? इकाई पर दोनों जगह 10 में भी और 60 में भी शून्य है जिन्हें हमने लिख दिया और 6 का पहाड़ा बस एक बार पढ़ा तो 6 एकम 6 आया ना 600। अब इन्हें जोड़ लो, जोड़ने पर मिला 990 यानी माँ 15 दिन में 990 पापड़ बेलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, हम फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए सीखते रहिए। गुड बाय। हेलो बच्चों, आइए फिर से अभ्यास करेंगे परिमाप के कुछ सवालों का। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। एक सवाल है कि एक आयताकार तालाब है जिसकी लंबाई 250 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है, तो मेंढक को उसका एक चक्कर लगाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? देखो भाई, ये है तालाब और मेंढक यहाँ से चलना शुरू करता है और यह पूरा एक चक्कर लगाता है। तो मेंढक ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कोने तक पहुंचा, फिर मेंढक ने मुड़ा और फिर आगे बढ़ा, फिर मोड़ आया और मेंढक फिर आगे बढ़ा और आखिरकार मेंढक ने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो इस तरह मेंढक ने लंबाई में कितना चला? तो लंबाई में 250 मीटर और फिर मेंढक जब यहाँ मोड़ पर मुड़ कर नीचे चढ़ा तो वह चला कुल चौड़ाई में 90 मीटर और इस तालाब की लंबाई अगर 250 मीटर थी और क्योंकि तालाब एक आयताकार तालाब है इसलिए फिर से अगर लंबाई देखी जाएगी तो 250 मीटर ही होगी और इसकी चौड़ाई भी बराबर होगी यानी 90 मीटर। अब मेंढक द्वारा चली गई दूरी यानी आयताकार तालाब की परिमाप। चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है? यह होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई यानी L धन B। तो आयताकार जो तालाब है उसकी परिमाप हम कैसे निकालेंगे? तो 2 गुना लंबाई कितनी है? 250 और चौड़ाई है 90 मीटर यानी 250 जोड़ 90 बराबर 2 गुना 250 और 90 को जोड़ने पर 340 और लंबाई और चौड़ाई क्योंकि माप मीटर में है तो मीटर। अब 2 का गुना 340 पे करते हैं तब क्या मिलता है? 680 मीटर यानी मेंढक को कुल 680 मीटर चलना पड़ेगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। शालू के पास एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 150 सेंटीमीटर है। शालू को उसके चारों ओर झालर लगाना है तो कुल कितने लंबाई की झालर लगेगी? देखो भाई, यह एक आयताकार चादर है और शालू को झालर इसके चारों तरफ चाहिए कुछ इस तरह से। तो लंबाई कितनी है इस चादर की? लंबाई है 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 150 सेंटीमीटर। आयताकार है इसलिए लंबाई है बराबर और चौड़ाई भी बराबर। चलो अब इसे हल करते हैं। तो झालर की कुल लंबाई यानी आयताकार चादर की परिमाप और आयत की परिमाप जो की होती है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुना
अगर हमें आयताकार चादर की परिमाप चाहिए तो 200 धन 150 सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर। 2 गुना 200 और 150 को जोड़ने पर क्या मिला? 350। तो 350 सेंटीमीटर। अब जब हम 2 का गुना 350 में करते हैं तब हमें मिलता है 700 सेंटीमीटर, यानी शालू को कुल 700 सेंटीमीटर लंबाई की झालर लगेगी। और अब अगला सवाल। राजू के घर के चारों ओर वर्ग आकार बाड़ लगी है जिसकी एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो बाड़ के तार की कुल लंबाई कितनी होगी? आइए देखते हैं। यह राजू का घर है जिसके चारों तरफ बाड़ लगी है, ये देखो, और इसकी एक भुजा है 20 मीटर। क्योंकि घर के चारों तरफ वर्गाकार बाड़ लगी है इसलिए प्रत्येक भुजा 20 की होगी, तो यह भी 20, यह भी और यह भी। अब इसका परिमाप निकालते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो देखो, बाड़ की तार की कुल लंबाई यानी वर्गाकार बाड़ का परिमाप, चूंकि वर्ग का परिमाप 4 गुना एक भुजा की लंबाई, तो 4 गुना 20, और 4 गुना 20 करने पर मिलता है 80, यानी 80 मीटर। तो बाड़ के तार की कुल लंबाई होगी 80 मीटर। दोस्तों, आपको सवाल समझ आ गए होंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह के और नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, अब परिमाप के ऊपर कुछ और सवाल हैं, जिन्हें आपको हल करना है। तो निकालो अपने कॉपी पेन और बैठ जाओ सवाल हल करने के लिए। पहला सवाल ये है, 7 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा बरामदा है, तो बताइए कि उसका परिमाप कितना होगा? क्या है सवाल? 7 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है बरामदा, तो उसका परिमाप कितना होगा यह आपको बताना है। ये देखो, अगला सवाल, किशन का कमरा 13 फीट लंबा है, दिख रहा है ना आपको, और 12 फीट चौड़ा है। किशन का कमरा 13 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है, तो बताइए कि कमरे का परिमाप क्या होगा? यानी लंबाई है 13 फीट और चौड़ाई 12 फीट है, तो आपको कमरे का परिमाप बताना है क्या होगा। लगाओ दिमाग और हल करो। चलो अब अगला सवाल लिखो। चंचल की रसोई घर की दीवार, चंचल की रसोई घर की दीवार 9 फीट लंबी तथा 8 फीट चौड़ी है, तो दीवार का परिमाप कितना होगा? रसोई घर की दीवार 9 फीट लंबी है और 8 फीट चौड़ी है, दीवार का परिमाप आखिर कितना होगा? सवाल आपने ध्यान से सुना, लिखा, अब इसे हल कीजिए। अब ये रहा अगला सवाल। राधिका ने 98 मीटर लंबाई और 90 मीटर चौड़ाई, 98 मीटर लंबाई और 90 मीटर चौड़ाई वाले खेत की तार बंदी के लिए कांटेदार तार खरीदा, बताइए कि खेत का परिमाप आखिर कितना होगा? राधिका ने 98 मीटर लंबाई और 90 मीटर चौड़ाई वाले खेत की तारबंदी के लिए कांटेदार तार खरीदा है, आपको बताना है खेत का परिमाप कितना होगा। और अब आपका आखिरी सवाल। कविता ने पेंटिंग बनाने के लिए 4 फीट लंबा तथा 3 फीट चौड़ा बोर्ड खरीदा है, तो बोर्ड का परिमाप कितना होगा? बताइए बताइए, हल कीजिए। फिर मिलते हैं, गुड बाय।
अब वक्त हो चला है अंग्रेजी कहानी सुनने का। आज की कहानी का नाम है बिजी एंट्स। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है कंचन बैनर्जी ने और कहानी की चित्रकार है दीपा बलसावर। बिजी एंट्स। हेलो, आई एम द फोर्थ वन इन द लाइन। कैन यू सी मी? लेफ्ट राइट, वी वॉक साइलेंटली इन लाइन। आई जस्ट गॉट एन आइडिया। आई एम गोइंग टू गेट अ सेट ऑफ व्हील्स टू मूव फास्टर। वी आर नॉट नॉइजी लाइक अदर एनिमल्स। Ours is a language of smells. One kind of smell says, "Follow me this way for a feast." Another smell says, "Danger, do not go there." I love cakes and all kinds of sweets, just like you. Want to see my muscles at work? I may look very tiny to you, but I am very strong. Never mind if the door is shut, I can slip through the smallest crack. Believe it or not, hundreds of us lives happily in a colony. अरे वाह, कहानी में एंट्स या चींटियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जैसे कि वह बड़ी तादाद में साथ में रहती है, वह बहुत मेहनती होती है और बाकी जानवरों की तरह शोर बिल्कुल नहीं करती। उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। वह सूंघकर खाने की चीजें ढूंढती है और सूंघकर अपना रक्षण भी करती है। मुझे यह कहानी बहुत पसंद आई। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के, सुमन के, सुमन के। एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के। ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के। के कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो, तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है, जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है।
इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर और मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कारकासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है। और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीने रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज है, साइंटिफिक स्टडीज, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीजन है जो एनिमल कारकासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कारकासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एक ले करते हैं उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उसे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग डिक्लोफिनेक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरे हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में
चील है जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं, ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं, भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली चूहे इत्यादि का इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।